जिले में अधिकारी कर्मचारी सरकार की योजनाओं के प्रति कितने लापरवाह हैं, इसका उदाहरण पवई विधानसभा से सामने आया, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अधिकारियों की गैर मौजूदगी से पवई विधानसभा से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी ने खुले मंच से अधिकारी कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि अगर यात्रा में अधिकारी मौजूद नहीं रहेंगे और गरीब तक हमारी सरकार की योजनाएं नहीं पहुंचेगी तो ऐसे लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों पर कार्यवाही की जाएगी। दरअसल पवई के आने वाले ग्राम पलोई में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। गांव में यात्रा के लिए ग्राम पंचायत द्वारा शिविर का आयोजन किया गया, साथ ही जहां पवई विधानसभा से भाजपा के विधायक प्रहलाद लोधी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, लेकिन यहां जनपद सीईओ, तहसीलदार, विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद नहीं रहे, जिससे विधायक को गुस्सा आ गया। उन्होंने खुले मंच से अधिकारियों को चेतावनी दे डाली। बहुत बड़ी विकसित भारत की यात्रा उनने संकल्प लिया था 2014 में और वो पूरा करते हुए इस यात्रा को चला रहे हैं और उनके नेतृत्व में प्रदेश में भी नई सरकार, डबल इंजन की सरकार, प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव, इन लोगों के नेतृत्व में यात्रा चल रही है। ये यात्रा हमारी जो योजना है वो गरीबों तक पहुँचे, गरीबों तक पहुंचाई जाए या गरीबों को इसके बारे में बताया जाए, जिसके पास जो त्रुटियां हो, इस यात्रा के माध्यम से हम उनसे कहें कि ये चीज़ें पूरी कराओ।